मैं जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम राज सिंह है, मैं एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ रांची का। मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग जब आए हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोगों का पहला रिएक्शन इन सब चीजों को देख के क्या आ रहा है? आपने क्या छत इतना नीचे क्यों है? बताओ जरा सा मुझे, मैं समझना चाहता हूँ। जैसे कोई दिल्ली का है, ये हमने सिर्फ मूवीज में देखा है, जो मूवी में दिखा रहे हैं वो असली नहीं होता है। तो जो असली पिक्चर है हमें देखने को मिली है, एंड हमें जो इंडिया का दूसरा साइड है कि इंडिया में ये भी साइड है, बिकॉज हम शहरों से आते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ग्रीनरी कमी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें बहुत ग्रीनरी एंड कैसे लोग नेचर के साथ कोएग्जिस्ट कर पाते हैं वो देखने को मिलता है। मूवी में आपने गाँव को लेकर क्या देखा था, आपके दिमाग में किस तरह की तस्वीर थी गाँव को लेकर? मूवी में ऐसा दिखाया जाता था कि गाँव बहुत ही, हाँ हाँ वही, गाँव हमसे बहुत अलग है, बट ये भी लोग हमारे जैसे ही है, बस इनका रहने का तरीका अलग है। आप क्या करोगे जब आप देख के जा रहे हो यहाँ से? एक अच्छा आप लोगों का इंटर्नशिप है जो भी, हाँ जी, तो ये बताओ कि आप लोगों ने जो देखा अभी, तो सबसे ज्यादा जिस चीज को देख के आपको दर्द महसूस हुआ या पेन हुआ वो क्या था, जिसको देखने के बाद आपको लगा कि अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए था या ऐसा तो नहीं रह सकते? बताओ, आप बताओ। दर्द या पेन मुझे नहीं महसूस हुआ, मुझे सिंपैथी ऐसा नहीं है, बस ये मतलब नहीं, दर्द दुख भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो ये जो है ये अपने एक एरिया में रह रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, और वो एक पॉइंट ऑफ एक अगर कंसिडर करें तो वो खुश हैं। हम हमारी लाइफस्टाइल, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है, हम उस चीज को लेके खुश हैं। एक चीज जो मैं खुद में चेंज करने की कोशिश करूंगी, मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए, पर मैं स्टिल करूंगी कि मैं खाना वेस्ट नहीं करूंगी। यूजुअली मुझे जैसे लेती हूँ तो मेजर करके नहीं लेती कि इतना खा पाऊंगी या नहीं, बस ले लेते हैं और अगर छूट गया तो फेंक देते हैं। बट यहाँ क्यों, क्योंकि इन लोग का एक दिन का भी खाना लेना इस मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि फसल नहीं उग रही है और जानवर फसल बर्बाद कर देते हैं। तो मैं एक चीज करूंगी कि अगर मेरे फ्रिज में खाना रखा हुआ है तो उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी और ज्यादा करूंगी, और जितना लूंगी उतना थाली में खत्म करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी अब से। अच्छा, फटाफट ले लेते हैं, आप मुझे बताओ थोड़ा सा। मुझे लगा कि जो पानी की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे दो पानी की जगहें हैं बारिश के सिवा, तो इनको चलना पड़ता है इतना। हमारा क्या है, एक नल खोलो और पानी गिराता है, वो नल भी हम खुला छोड़ देते हैं बहुत बार। तो ये बात होती है कि इनको एक तो चल के जाना पड़ता है, एक यहाँ पे डैम है और एक वहाँ पे ग्राउंड वाटर आता है, और जैसे हमें बताया गया था कि वहाँ पे एक हैंड पंप है, उसको कुछ उसको बस कुछ दिन पहले ही कुछ बच्चों ने खेलते खेलते गलती से तोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पानी की समस्या है, जैसे इसने बोला, ऐसा नहीं है कि सिंपथी हो रही है या दुख हो रहा है कि ऐसे कैसे जी रहे हैं, बट अपने में जो बदलाव लाओगे कि बचाओ, ताकि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है जो पहाड़ों से आ रहा है वो भी सस्टेन हो। अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को दिमाग में आ रहा है कि क्यों ये, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बड़े शहरों में है या जो टियर 3 के भी शहर है वहां तक है, यहाँ क्यों नहीं है? मतलब एक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे सड़क, पानी, बिजली, वो क्यों नहीं है? इस पे आप लोगों को क्या लगा, क्यों नहीं पहुंच पाया, किस वजह से नहीं पहुंच पाया? हो सकता है कि पहुंचा पर उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको शायद समझ भी नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या ही करेगी। जैसे हमें बताया गया था कि इनको मिल सकते हैं पैसे बिना काम करे, बट इनको पता ही नहीं है। तो जब अगर इनको पता ही नहीं है तो गवर्नमेंट को लगता है कि छोड़ दो। जैसे यहाँ पे घर बनाया था, अब उस घर के लिए एक टॉयलेट भी बनाया था, पर उसका सिर्फ कमरा बना दिया और उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसे तो ये लोग नहीं रह पाएंगे ना। हाँ जी, देखा, अंदर नहीं देखा पर बाहर से देखा। ठीक है, बॉय में कोई बताओ यार मुझे। आ गया था। हाँ, ये मुझे बताओ कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, किस स्कूल में पढ़ते हो और किस तरह के लाइफ स्टाइल में जी रहे थे और यहाँ दाना खाए रहे थे? आखिरी में लोग बता दो। तो मेरा नाम दिव्यांश है। हाँ बताओ। मेरा नाम दिव्यांश है और मैं दिल्ली से हूँ, और मेरे स्कूल का नाम हेरिटेज स्कूल है। और जब मैं लाइक दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पर ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जैसे यहाँ पे इनको जो ज़रूरतें चाहिए जैसे बिजली, पानी और खाना, इनके इसके लिए इनके पास ना वो ज्ञान है कि मतलब जैसे नन्ना ने बताया था कि गवर्नमेंट इन सबको फ्री में ये सब दे सकती है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि ये सब दे सकते हैं, तो हम इनको मिलेगा ही नहीं। दिल्ली में जैसे पॉलिसीज दे रखी हैं कि कुछ घरों में इतने तक का पानी या बिजली फ्री मिलेगा, वो मांगते हैं कि हमारा इससे कम का बिल आए तो हम क्यों पे करेंगे, लेकिन इनको ये सब की नॉलेज ही नहीं है कि हमें ये सब गवर्नमेंट दे सकती है,
तो हमें इसके लिए खुद के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वो कर ही नहीं रहे। मेरा नाम मान्या है और मैं भी दिल्ली से हूँ। मैं भी हेरिटेज स्कूल में ही पढ़ती हूँ। मेरे को यहाँ पे आके एक जो समस्या दिखी वो है पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की। जैसे हम दिल्ली में होते हैं तो हम कभी कभी टीचर पढ़ा रही होती है फिर भी हम सुनते नहीं हैं, या कुछ भी होता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ तो मिल रहा है, हमें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। पर यहाँ पे आके देखते हैं तो हमें दिखता है कि जैसे टीचर नहीं आ रहे यहाँ पे, तो जब बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं और इनको टीचर नहीं मिल रहे, और हम वहाँ पे चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि टीचर है तो मजाक उड़ा लो क्लास में या मस्ती कर लो। चलो ठीक है, हो गया, ठीक ना, चलो हाँ ठीक ना, चलो चलो तुम लोग। हाँ ये बताओ, ये इधर ये पूछे हो कहाँ से? हाँ ये ना, ये ट्रेडिशन होता है जो पुराने जमाने के लोग थे इनके एज के, अब तो नहीं हुआ है लेकिन इनके एज ग्रुप के जो थे वो बनाते थे, वो उनका जो है अपना साइन होता था जो आप मूवी में देखते होते हैं। तो बताइए, हमें भी अच्छा होती लेकिन हमारे मम्मी पापा ने दीदी दीदी मेरा भी है ठीक है। तो इसको गोदना कहते हैं। 6 साल पहले तक यहाँ लोग आते थे सीजनल बेसिस पे करके जाते थे, 6 साल से कोई नहीं आया बनाने के लिए। ये आज खाना जो पकाई है, ये खाना क्या साग तोड़ के लाई? जंगल से लाई ना, तू जंगल से लाव ली ना, वन से लाव ली ना वो साग? ना, तो साग हो, सुखाई रही हो, ओके पकाई रही हूं। अब सोचो कि जो साग है वे लोग जंगल वगैरह से जो तोड़ के लाती है उसको सुखाते हैं और उसको पकाते हैं और चावल के साथ खाते हैं, ये कितना लाइट टफ लाइफ है, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, ठीक है। 5 तक है, वो जवाब देने दे पा रहे लेकिन वो भी नहीं जवाब दे पा रहे। टीचर के साथ में क्या है, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि टीचर कभी हड़िया पी के भी आ जाता है, बच्चा लोग को मारता है। तो 1 महीना से ऑलरेडी हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और हो सकता है कि 10-15 दिन में कोई एक हार्ड स्टेप लिया जाएगा। ठीक, इसी मुझे और बताइए, आप लोग मेरा पूछ रहा लो की हो अच्छा तू पूछ ली नहीं खाना वाना के लिए? पूछी खाइतो तो की ना खाइतो खेबे तो बेबी आई बे तो हम जबो बागरे रंबो आई जतरा हम रंदरी अपन पुती समझे क्या बोल रही है? ये कह रही है कि नेक्स्ट टाइम आओगी तो खाना देंगे हम, अभी जो था वो हम खा लिए, हम जितना बनाना था हमको हमने बनाया और उसको खा लिए, नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम तुम लोगों के लिए बनाएंगे। तुम लोगों के अंदर अगर कोई सवाल है, क्योंकि तुम लोग, मेरा ये है मोटो ये समझने का आप लोगों को लेके कि आप लोग जब आए हो बाहर से तो आप लोग कुछ समझना चाहो इस घर के बारे में, इनके बारे में, मतलब सारे लोग ऐसे ही रहते हैं। वो पहला के घर हो? कितना पहले? हाँ तो बुढ़ा रह से फोन के बुढ़ा मर गई लो, मर गुतनी और मर गई। कितना साल हो गए? हमार गुतनी भाई भाई मैंने सब मर गई, बाल बच्चा कोई नहीं सब मर गई। ऐसे नहीं आप लोग कहाँ स्कूल वगैरह में जो पढ़ते हैं इनसे पूछे इनके गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके गांव के बच्चे पढ़ते वहाँ पे टीचर आता है? आसा पास है कि नाती नातिन गिला सुनिए मास्टर आवे हो कि ना आवे से पूछे आवे जिमरा थी जोना जोना के नहीं के गो मास्टर आवे हो कम का के गो हम तो इतने नहीं कह रही है कि एक टीचर आता है, ठीक है,
कहाँ से के एक क्लास वन से लेके कितने तक पढ़ाई होती है इसमें? एक और सिर्फ पारा शिक्षक आता है और उसका भी फिक्स नहीं, उसका ऑलरेडी हम लोग पिछले एक महीने से उसको ट्रैक कर रहे हैं कब आ रहा है कब जा रहा है। और जब बच्चों का हमने यहाँ पे असेसमेंट किया पूरे आईपीएम बैच के टीम के साथ में, तो उसमें महज 5% बच्चे भी पास नहीं कर पाए, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट नहीं, जब हम लोगों ने असेसमेंट किया 1:1 क्या है, 2:2 क्या है, 2+2 कितना। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।